तो अगर आपने मेरा व्लॉग नंबर 30 देखा होगा तो उसमें मैंने दिखाया था कि मैं सिडनी से कुआलालंपुर गया एक दिन के लिए और उसके बाद कुआलालंपुर से कहीं और गया, लेकिन वो मैंने व्लॉग में दिखाया नहीं था। तो आई थिंक आज दिखा देते, चेक कर कैसा लगता है ना जब आप अपने घर के ऊपर से जा रहे हो लेकिन घर नहीं जा रहे हो। तो वेलकम टू लंदन, वेलकम टू लंदन, बट वेलकम टू लंदन द सिटी ऑफ मोशन। जी अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ लंदन। और लंदन के सीन ये थे कि मैं गया था 3 घंटे के काम के लिए, 4 घंटे के काम के लिए इनफैक्ट। उसके बाद मैंने ली 2 वीक की छुट्टी। तो लंदन है और भी बहुत सी जगह हैं, तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बिकॉज जो आगे की वीडियोज़ हैं वो तबाही हैं, ट्रस्ट मी तबाही हैं। खैर, उम्मीद है कि सिनेमैटिक्स आपको अच्छे लगेंगे। सारे सिनेमैटिक्स मेरे पूरे लंदन ट्रिप के थे, तो अब आहिस्ता आहिस्ता हम जिस एपिसोड पर जाएंगे तो उनके सिनेमैटिक्स और वहाँ की चीज़ों को रिवील करते जाएंगे। पहले दिन की बात करते हैं, तो पहले दिन मैंने कुछ खास नहीं किया। मैं सुबह सुबह 9 से 10 बजे, आई थिंक 9 बजे मैं लंदन पहुँचा। उसके बाद मैंने वहाँ पर चेक इन किया होटल में। मेरा होटल जो था वो मेन लंदन सिटी में था, जोन 1 में था, किंग क्रॉस स्टेशन। अगर आप लोगों को पता है, जो इंग्लैंड वाले लंदन वाले उनको पता होगा किंग क्रॉस स्टेशन, उसके करीब मेरा होटल था। और होटल में चेक इन के बाद मैं गया अपने काम से, वहाँ पर मुझे 5 घंटे लग गए। और मैं दोपहर में वापस आया और उसके बाद मैंने क्या किया, दोपहर में निकला ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट कहते हैं यहाँ की, जिस तरह सिडनी में हमारी एक मशहूर स्ट्रीट है जहाँ पे सारे बड़े बड़े मॉल्स और ये सब हैं, बड़े लिट मॉल होता है वहाँ का। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो नहीं कहेंगे, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वहाँ पे। हमने वो चक्कर लगाया, उसके बाद हमने पहियाँ वॉक की, थोड़ी फ़ोटो वोटो खींची और उसके बाद हम पहुँचे बकिंगम पैलेस। बकिंगम पैलेस का सीन ये था कि बकिंगम पैलेस, वैसे तो मुझे बारात वाले दिन जाना था लेकिन मैं मिस कर चुका था क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं मिल पा रही थी पहले। तो मैं वलीमे के लिए बकिंगम पैलेस पहुँचा, लेकिन मुझे वहाँ जाके पता चला
कि भाई वलीमा तो सुबह ही हो गया, हमारे यहाँ वलीमा रात में होता है, हम रात के हिसाब से पहुँचे थे लेकिन सुबह में वलीमा हो चुका था, सो आई मिस दैट थिंग। मैं आया था वलीमे की, वलीमा ख़त्म हो चुका है, मैं वलीमे के लिए आया था, बारात तो पहले ही निकल गई थी जहाज में, तो वलीमा भी नहीं है, तो अब बड़ा बैड सीन हो गया, तो देखते हैं वहरी भाई को कुछ बोलते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बैड सीन है। बट मेरी मुलाकात हुई प्रिंस और प्रिंसेस दोनों से, लेकिन दो दिन बाद, तो अगर आपको वो मुलाकात देखनी है तो आपको दो से तीन ब्लॉग और आगे देखना पड़ेगा। पहला ब्लॉग है, मैं बता रहा हूँ कि लंदन जाके मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई, जो मैंने बचपन से फिल्मों में देखा था और एक्सपेक्टेशंस थी तो वो पूरी नहीं उतरी। आई नो बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझसे इस बात को मतलब एक्सेप्ट नहीं करेंगे और अगेंस्ट जाएंगे और उनकी हट जाएगी, तो आपकी हटे भाई, क्योंकि सीन ये है कि भाई हम पाकिस्तान से डायरेक्ट नहीं गए लंदन, जो हमें बत्तियाँ देख के बड़ा मज़ा आएगा ये रोड देख के रेड बस, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड को तो ऑस्ट्रेलिया इज़ फार बेटर, और बहुत सारे रीजंस हैं, मैं आगे जाके बता दूंगा। लंदन क्यों मुझे पसंद नहीं आया, लंदन इसलिए पसंद नहीं आया कि बहुत कंजस्टेड लगा, ओवर पॉपुलेटेड लगा, दूसरा पाकिस्तान लगा, मतलब बंदा बाहर जाता है तो थोड़ा देखता है भाई बाहर है तो मतलब बाहर जैसा दिखे, लेकिन यहाँ तो इतने पाकिस्तानी और मतलब दरख फैलाओ तो पाकिस्तानी और इंडियन गिर रहे हैं काफ़ी, मतलब उन्होंने ओल्ड स्कूल फैशन, मतलब सारी चीज़ें पुरानी ही रखी हुई हैं, देसी की काफ़ी थी मकदार, लेकिन मुसलमानों के लिए और पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छी जगह इन सेंस में भी हो सकती है कि खाने पीने का कोई मसला नहीं है, अपने लोगों का कोई मसला नहीं है। तो बस आज के लिए यही था और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह बहुत जल्द इस अपनेपन के साथ, कि अपना भरपूर ख्याल रखिएगा और कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब बेल बजाना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, पीस आउट। तो अगर आपने मेरा व्लॉग नंबर 30 देखा, अरे चुप तो जाओ यार, रिकॉर्डिंग हो सकोगी आपने कर लिया, मैं कर लूं। जब भी तुम्हारी शिकायतें ना होगी फिर, यार वो रिकॉर्ड हो रहा है, मेमोरी नहीं है उसमें भाई, मैं खोपरा लेने, अबे शॉर्ट में आ जाएगा खोपरा, अगर टूट गया तो आधा रह जाएगा, इसको छुपा के कर रहा हूँ ऐसे आधा। अबे क्या रहा है सबसे साले प्रैंकस्टर, तुम झूठे हो एक नंबर के यार। अबे यार गाना गा रहा हूँ, एक मिनट रुक जा, आ रही है। तो अगर आपने मेरा व्लॉग नंबर 30 देखा था, और आई डोंट नो इस व्लॉग को किस तरह शुरू करना चाहिए, स्टोरी लाइन मुझे नहीं पता, बट बस मैं ये कहूँगा कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तहे दिल तक चाहूँगा, और तुम अगर होती तो लंदन में चार चांद लग जाते, और ऐसा कुछ अभी दिमाग में आ रहा है तो अभी दोबारा शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, और शाम अस्सलाम वालेकुम, और यार ये नहीं करो यार, ये माज भाई जो है ना स्टोरी चोरी चुपके चुपके स्नैपचैट बना रहे मेरी।